एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। आज के वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन जावा। तो बात करते हैं वेरिएबल्स की। सबसे पहले वेरिएबल्स क्या होते हैं। सपोज करो आपका कोई टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में आपके 50 मार्क्स आए, ठीक है। आपका फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में 50 मार्क्स आए, ठीक है। इंग्लिश में आपके 30 मार्क्स आए, और फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी में आपके लगा लो 40 मार्क्स आए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है आपके टोटल कितने मार्क्स आए, फिर आपको बताना है कि आपके एवरेज मार्क्स कितने आए इन वन सब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से आपको इन फिगर्स के ऊपर कुछ काम करना है। अब इन फिगर्स के ऊपर कुछ काम करने के लिए आपको सबसे पहले इन फिगर्स को कहीं पर स्टोर करना पड़ेगा, किसी मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आर नेम्स गिवन टू मेमोरी लोकेशन। क्या मतलब हुआ, आपने अपनी मेमोरी में, ये आपका मेमोरी है, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। अब आपको अपनी मेमोरी में 50 स्टोर करने हैं, तो आपने एक मेमोरी में 50 स्टोर कर दिया और उस मेमोरी का नाम दे दिया ए। ए और ए के अंदर स्टोर हो गया 50। तो अब ये ए आपका क्या है, ये ए आपका एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल क्या होता है, नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन। हमें अपने जावा प्रोग्राम में काम करते हुए जो कुछ भी यूज करना है, कोई भी डेटा यूज करना है, उस डेटा को हमें मेमोरी में कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। उस मेमोरी का नाम, उस मेमोरी लोकेशन को हमने एक नाम असाइन कर दिया, उसको बोलते हैं एक वेरिएबल। या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हो कि वेरिएबल्स आर कंटेनर। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं जो स्टोर करता है आपका डेटा। उस डेटा को आप अपने प्रोग्राम में आगे चल के यूज करोगे। तो वेरिएबल्स आर नथिंग, दे आर जस्ट नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन। आपको अपने मेमोरी में कोई डेटा सेव करना है, उस डेटा को आपने कहाँ पे सेव किया, उसको एक नाम दे दिया, उसको बोलते हैं एक वेरिएबल, ठीक है। अब आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल बी। तो अब स्मॉल ए और कैपिटल ए दो अलग अलग मेमोरी लोकेशन है। अब आप ए इक्वल टू 5 और ए इक्वल टू 10, तो ये दो अलग अलग मेमोरी लोकेशन है। इसका मतलब वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो लेटर्स का और नंबर्स का। जैसे आप नाम दे सकते हो ए 1 2, ए 2 3, ठीक है। लेकिन आप जो वेरिएबल नाम दोगे वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। क्या मतलब है, 1 A 2, 1 से स्टार्ट नहीं हो सकता। A 1 2 ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। आप स्पेशल सिंबल्स भी यूज कर सकते हो, जैसे अंडरस्कोर और डॉलर, करेंसी करेंसी साइन, ये दो आप यूज कर सकते हो अपने वेरिएबल्स के नेमिंग में। लेकिन और कोई जैसे एट द रेट या फिर एस्ट्रिक, ये कुछ आप यूज नहीं कर सकते अपने वेरिएबल्स नेम में। तो देखते हैं कि कैसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए, जैसे मैंने लिखा इंट ए इक्वल टू 10, ये मैं लिख सकती हूँ, ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है। अब मैं लिखना चाहती हूँ इंट ए कैपिटल ए इक्वल टू 10 100। तो अब इससे क्या हुआ, मेरे मेमोरी में एक स्मॉली मेमोरी लोकेशन एलोकेट हो गई जिसकी वैल्यू है 10, और एक कैपिटल ए मेमोरी एलोकेट हो गई जिसकी वैल्यू है 100। अब मैं लिखना चाहती हूँ इंट A1 इक्वल टू 1000, ये एक वैलिड मेमोरी लोकेशन है। अब मैं लिखना चाहती हूँ इंट 1A इक्वल टू 90। अब ये रेड लाइन दे रहा है, इसका मतलब नॉट अ स्टेटमेंट, यानी ये एक वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। अब मैं लिखना चाहती हूँ तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। अब मैं लिखना चाहती हूँ अंडरस्कोर ए, तो ये वैलिड वेरिएबल नेम हो गया, ठीक है। तो ये कुछ नेमिंग कन्वेंशंस हैं जो हम रूल्स हैं जो हम यूज करते हैं एक वेरिएबल को नेम करते हुए।
अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, कि हमारे पास कितने अलग अलग टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं। हमारे पास तीन टाइप ऑफ वेरिएबल्स हैं, लोकल वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स और स्टैटिक वेरिएबल्स। ये सब चीजें ज्यादा क्लियर तब होंगी जब हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ लेंगे, बट अभी हम वेरिएबल्स कवर कर रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। आपने क्लास बनाई ए, उसके अंदर एक फंक्शन बनाया और एक फंक्शन बनाया वन, एक फंक्शन बनाया टू। ठीक है, ये फंक्शन का ब्लॉक है, ये फंक्शन टू का ब्लॉक है और ये फंक्शन वन का ब्लॉक है। अब आपने फंक्शन वन के ब्लॉक में लिखा इंट ए इक्वल टू 10। तो अब आप ये फंक्शन वन के ब्लॉक में आपने जो इंट ए इक्वल टू 10 लिखा, इसे आप सिर्फ फंक्शन वन के अंदर ही यूज कर सकते हो, फंक्शन टू के अंदर यूज नहीं कर सकते। तो इनको बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स होते हैं? जो हम पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही डिफाइन करते हैं और उसी के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर तो इन वेरिएबल्स को बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स यानी आपने उसे किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन करा और आपको आप उसे उस ब्लॉक के बाहर यूज नहीं कर सकते। तो ये जो a इक्वल टू 10 है, ये फंक्शन वन के लिए लोकल वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स। इंस्टेंस वेरिएबल्स को क्लास वेरिएबल्स भी बोलते हैं। अब मैंने जैसे लिखा इंस्टेंस वेरिएबल्स, सॉरी स्टैटिक वेरिएबल्स को क्लास वेरिएबल्स भी बोलते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स या फिर क्लास वेरिएबल। इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी हम डिस्कस करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। मैंने एक क्लास बनाई ए, उसके अंदर एक वेरिएबल बनाया इंट ए इंट बी। अब इस क्लास के मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, ए ए वन इक्वल टू न्यू ए, ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, ए ए टू इक्वल टू न्यू ए। ये सब ज्यादा क्लियर होगा जब हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स डिटेल में पढ़ेंगे, तो तब ये सब चीज़ हम दोबारा पढ़ेंगे। ए वन और ए टू, अभी दो मैंने ऑब्जेक्ट्स बना दी अपनी ए क्लास के, तो ये मेरे पास ए वन का ऑब्जेक्ट बन गया और एक ए टू का ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ए वन के ऑब्जेक्ट में ए और बी दो वेरिएबल्स हैं और ए टू के ऑब्जेक्ट के लिए मेरे पास दो वेरिएबल्स बन गए ए और बी। तो इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं? जितनी बार क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी बार इंस्टेंस वेरिएबल्स हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग बनेंगे, तो इनको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो दीज आर वेरिएबल्स, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास बनता है उसके लिए हमारे पास वेरिएबल्स बनते हैं, इसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स। जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी बार इन्हें मेमोरी एलोकेट होगी। अब हम चलते हैं क्लास वेरिएबल्स या फिर स्टैटिक वेरिएबल्स पे। अब अगर मैं लिख दूं स्टैटिक, स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं इनके लिए, स्टैटिक इंट सी इक्वल टू 10। तो अब क्या होता है, जैसे हमारा क्लास तो एक बार बनी, उसके हमने हंड्रेड ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना लिए, लेकिन सी जो है वो एक ही बार बनेगा। सी इक्वल टू 10, ये सिर्फ एक बार बनेगा, चाहे आप हजारों बार अपने ऑब्जेक्ट बना लो, सबके लिए ये सी इक्वल टू 10 शेयर होगा। तो अगर ए वन ने इसके अंदर कोई चेंज करा, जैसे इसे 10 से अगर 100 बना दिया ए वन ऑब्जेक्ट ने, तो ए टू के लिए भी अब ये वैल्यू 10 नहीं रही, 100 हो गई, क्योंकि ये सी वेरिएबल जो था वो सब में शेयर हुआ है। ये सब दोबारा से मैं बता रही हूँ, तब क्लियर होगा जब हम क्लासेस के बारे में करेंगे। अभी हमारे लिए इतना जानना इम्पोर्टेंट था कि वेरिएबल्स होते क्या है। वेरिएबल्स जब भी हमें अगर कोई डेटा यूज करना है अपने प्रोग्राम में, तो उस प्रोग्राम में डेटा यूज करने के लिए हम उसको कहीं पे पहले सेव करेंगे, उस जहां पर हम उन्हें सेव करते हैं उस नाम को बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, अब चलते हैं डेटा टाइप्स पे। वेरिएबल्स के बाद चलते हैं डेटा टाइप्स पे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अब आपने बोला, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ए इक्वल टू 10, अब मैं लेकिन बी इक्वल टू हेलो बोल देती हूँ, तो एक वेरिएबल में तो मैंने एक नंबर स्टोर कर दिया, इंटीजर स्टोर कर दिया 10, और एक में मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर कर दी हेलो। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा, मेरे कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि कौन से वेरिएबल में कौन सा
तरीके का डेटा स्टोर करना है। तो इधर आता है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स हमें बताता है कि हम अपने कौन से वेरिएबल में कौन से टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हैं। जैसे अगर ए इक्वल टू 10 स्टोर करना है तो उससे पहले मुझे लिखना पड़ेगा इंट, कि इसमें मुझे एक इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है। तो इंट क्या हो गया, इंट हो गया डेटा टाइप। बी इक्वल टू हेलो, अब बी क्या है, एक हेलो क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे अपने बी में क्या स्टोर करना है, मुझे अपने बी में एक स्ट्रिंग स्टोर करनी है। इंट ए इक्वल टू 10, तो इसमें इंट जो है डेटा टाइप है, ए जो है वेरिएबल है। इसी तरीके से स्ट्रिंग डेटा टाइप है और बी वेरिएबल है। तो डेटा टाइप क्या होते हैं, दे टेल अस द टाइप ऑफ डेटा वी वॉन्ट टू स्टोर इन आर वेरिएबल। ठीक है, अब जैसे हमारे वेरिएबल्स हमने पढ़े 3 तरीके के थे, इसी तरीके से हमारे डेटा टाइप्स भी 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से तरीका, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब नाम से ही पता चल रहा है, प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब बेसिक डेटा टाइप्स। कैसे बेसिक डेटा टाइप, इंटीजर हो गया जो इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, कैर हो गया जो हमारी कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करेगा, ए बी सी एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इंटीजर, कैर, बूलियन। तो बूलियन क्या हो गया, बूलियन अब हमारी स्टोर करेगा ट्रू, दो वैल्यू, इधर ट्रू और फॉल्स। इसी तरीके से 8 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलकर बने हैं उन्हें बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग एक्चुअली में है क्या, स्ट्रिंग एक्चुअली में ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स ही तो है। हेलो कैसे बना, एच ई एल एल ओ, और इसमें हर चीज अपने आप में एक कैरेक्टर है, तो स्ट्रिंग हमारा हो गया नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसी तरीके से एरे, एरे हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। एरे होता है ग्रुप ऑफ अदर डेटा टाइप, जैसे 1 2 3 4 इकट्ठा मुझे एक साथ स्टोर करना है, तो इसे मैंने स्टोर कर लिया एक एरे में। अब इसमें 1 2 3 4 अलग से सब लोग इंटीजर है। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मतलब जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स से मिलके बने वो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यानी हमारे बेसिक डेटा टाइप्स। अब ये है हमारे 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप, बूलियन, बाइट, कैर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल। बूलियन जो हमारे ट्रू और फॉल्स वैल्यू को स्टोर करता है। बाइट ये हमारी वैल्यू स्टोर करता है -128 से 127, यानी आप -128 से लेके 127 के बीच के नंबर अपने बाइट में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, कैरेक्टर जिसमें आप कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर सकते हो, ए बी सी एक्स वाई जेड, एट द रेट। अगर एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है तो वो कैर में स्टोर करा। ठीक है, शॉर्ट। अब शॉर्ट की रेंज, शॉर्ट क्या होता है, 16 बिट यानी 2 बाइट तक आप इसमें डेटा स्टोर कर सकते हो। रेंज इसकी होती है 32768 माइनस से लेके 32767 तक। इसी तरीके से इंटीजर 32 बिट्स का होता है ये, इसकी रेंज होती है दिस, इस लास्ट कॉलम में सबकी रेंज लिखी हुई है। लॉन्ग, आपको इंटीजर से बड़े नंबर स्टोर करने हैं तो हम यूज करते हैं लॉन्ग। फ्लोट, फ्लोट डेसिमल नंबर्स को स्टोर करने के लिए फ्लोट और डबल यूज होता है। ये जो सब नंबर्स थे, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, ये सब इंटीजर नंबर्स थे, इनकी बस रेंज अलग अलग थी और इनका साइज अलग अलग था। फ्लोट और डबल में हम स्टोर करते हैं डेसिमल नंबर्स। अब अप टू 7 डेसिमल प्लेसेस स्टोर करने के लिए फ्लोट यूज करते हैं, उससे ज्यादा डेसिमल प्लेसेस यूज कर स्टोर करने के लिए हम डबल यूज करते हैं। अब इन सबको एक बार लिख के देख लेते हैं। इंट जैसे सबसे पहले लिख लेते हैं बाइट, बाइट ए इक्वल टू 10। ठीक है, तो मैं बाइट में -128 से लेके 127 तक मैं बाइट में स्टोर कर सकती थी, तो मैं 10 स्टोर कर सकती हूँ। अब मैं देखती हूँ 1000 स्टोर कर सकते हैं। तो अभी क्या बोल रहा है कि लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट, यानी आपने जो नंबर ले लिया 1000, वो इंटीजर की रेंज का है, स्टोर आप उसको बाइट में कर रहे हो, तो इसको हम इंट में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब इंट में मैं इतना बड़ा नंबर स्टोर कर सकती हूँ।
अभी ये मुझे एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है कि इंटीजर नंबर टू लार्ज, यानी आप इसे इंटीजर में स्टोर करोगे तो इंटीजर की इतनी रेंज नहीं होती। तो हमने इसको लॉन्ग इंट ए इक्वल टू दिस इस तरीके से स्टोर कर लिया, और आगे हमने एल लगा दिया ये बताने के लिए कि ये एक लॉन्ग नंबर है। इस तरीके से हम लॉन्ग नंबर स्टोर करते हैं। अब हमें डेसिमल नंबर स्टोर करना है, तो डबल बी इक्वल टू 9.09। तो ये हमने स्टोर कर दिया एक डबल नंबर। अब कैरेक्टर स्टोर करना है, कैर सी एच इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में ए, ठीक है। इसी तरीके से अब हमें स्टोर करना है स्ट्रिंग एस टी आर इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोट्स में हेलो। तो इस तरीके से अब ये लॉन्ग डबल कैर स्ट्रिंग ये सब क्या है, ये सब है डेटा टाइप ए बी सी एच और एस टी आर, ये सब है वेरिएबल्स, और ये सब इनकी वैल्यूज जो हम इसमें स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब था हमारा वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में।